अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब देखने वाले मेरे बहन भाइयों को बहुत दुआ सलाम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। मैं अभी काम से आया और खाना खा के और मैं अभी बैठा हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं क्या खाऊँ मीठे में। तो मीठा खाने को थोड़ी सी क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने कहा कि सोचता रहा मुझे याद आया कि यार जलेबियाँ खानी चाहिए। अब आप बोलेंगे रात के 11 बजे कौन जलेबियाँ खाता है, राइट? तो मैं खाता हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ जी बहुत मज़े की जलेबी। और मैंने दोपहर के खाने मैंने रात के खाने में खाई रोटी और साथ में थी गोभी का सालन विद उसके अंदर चिकन डला हुआ था, ठीक है? तो बहुत मज़े का था। तो बहरहाल तो मैं आपको मेरा फ़ोन गिर गया, तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ जी मज़ेदार क्रंची जलेबी, ठीक है जी? और ये है जी मेरी चाय का वाहिद कप जो मैं एक दिन में एक दफ़ा पीता हूँ। तो ये है जनाब खूबसूरत, अल्लाह की बहुत खूबसूरत नेमत मिस्टर जलेबी। कौन कौन खाएगा आ जाएं। और जलेबी जिसको अच्छी लगती है अभी आके खा सकता है, वरना बाद में मुझे इतराज़ कोई नहीं करेगा, ठीक है? तो जनाब अभी हम खाएंगे जलेबी और आपको दिखाएंगे कि जलेबी कैसे खाई जाती है, ठीक है? हाँ, बड़ा पीस तो नहीं खा सकता मैं, छोटा सा पीस ही खाऊँगा। बहुत मज़े के हैं, मैं आगे करता हूँ आपको दिखाता हूँ ताकि आप लोग देखते रहें। और कितनी खूबसूरत जलेबी है ना माशाल्लाह, देखें कितना बड़ा लच्छा माशाल्लाह। खैर इट्स नॉट बैड, मैं ये वाला खा सकता हूँ राइट? तो मैं आज ये खाता हूँ जलेबी। बात लोग दूध के अंदर डाल के भी खाते हैं, दूध जलेबी बोलते हैं उसको। बाद लोग खा के ऊपर से दूध पी लेते हैं, पता नहीं उसे क्या बोलते होंगे, अगर किसी को पता है तो बताइएगा, ठीक है? तो ये है जनाब गरम गरम मज़े की चाय, ये है जलेबी। बहुत मज़े के, आपको मेरी क्रंच से अंदाज़ा हो रहा होगा कि बहुत क्रंची भी है। और आप लोग सुनाएं आप लोग कैसे हैं, आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही हैं। आने वाले नए लोगों को वेलकम, थैंक यू सो मच वॉचिंग मी, सब्सक्राइब मी, आई एम सो हैप्पी। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे सब्सक्राइबर जो थे जो नॉट सब्सक्राइब कर रहे थे वो 47% से कम हो के 29% पे आ चुके हैं, जो मुझे बहुत खुशी है। मैं आप लोगों का बहुत मशहूर, मैं अपनी अल्लाह की ज़ात के बहुत शुक्र गुज़ार हूँ, अल्लाह ने मेरे पे करम किया और अल्लाह ने ही आप लोगों के दिल में मेरी बात डाली। और मुझे बहुत सारे लोग सब्सक्राइब करें, 73-74% जो हैं अब सब्सक्राइब करने लग गए। और मैंने बहुत मेहनत की है, जैसे आपको अंदाज़ा होता है मेरी वीडियो में आप लोगों को ना रश होता है ना शोर की आवाज़ आती है। तो आप यकीन करें मैं कोई एडिटिंग नहीं करता हूँ, हमारे पास लोग बाहर काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा, मैंने जैसे आपको बताया हुआ कि हमारे एरिए में अभी तक कोरोना फैल रहा है, तो इस चक्कर में लोग बाहर काम निकलते हैं और मैं वीडियो बड़े आराम से बना लेता हूँ। बाकी मुझे बहुत मज़ा आता है आप लोगों की वीडियो में देख के, आप लोगों की अच्छी अच्छी बातें सुन के। मैं बहुत मजाकी गत बंदा हूँ, बाज़ अवकात मजाक कुछ ज़्यादा भी हो जाते हैं, आई एम सॉरी। तो थोड़ा सा हट के दिखाऊंगा, मैंने आप लोगों को काफ़ी वीडियोस भी दिखाई हैं, मैंने पेंटिंग्स दिखाई और तो अब थोड़ा सा मैं रिलैक्स करके आपको थोड़ा सा घर का माहौल थोड़ा सा डिफरेंट करूँगा। तो जलेबी जो है ना मेरे दोस्त अगर देख रहे हैं या मेरी फैमिली देख रही है तो आपके इसमें शामिल है मेरे बहन भाई, मेरी बाजी जो मेरी बहन हम ये देखती हैं पाकिस्तान में और इंडिया में, लंदन में, यूके में और स्पेन में, जहाँ मेरे बहन भाई मुझे देख रहे हो, ये मैं आप सबको डेडिकेट करता हूँ। और आप भी मेरे से शरीक हों, इसको इंजॉय करें मेरे साथ, खुश रहिए। अल्लाह में आप सब लोगों को बहुत इज़्ज़त और बहुत तरक्की दें, खुश रहा करें ज़िंदगी में। जिस चीज़ पे आपका इख्तियार नहीं है उस पर परेशान होना बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है, ठीक है? तो बाकी
ज़िंदगी को ईजी लें इंशाल्लाह। ऐसा ऐसा ज़िंदगी में सब कुछ मिलता है, सब्र के साथ करना पड़ता है। अल्लाह में आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में खैरियत से रखें। मैं जनाब अभी अपनी जलेबी को और चाय को इंजॉय करता हूँ, आपके साथ शेयर किया, और अगर आप लोगों को भी अच्छा लगे बताइएगा कि आप लोगों की क्या राय है। और इंशाल्लाह मिलते हैं अगले कल की वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा, कल मेरी है छुट्टी, कल मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादातर लोगों की एलवीज़ में आऊँ। मुझे असल में कल अपने घर भी बात करनी है, भाइयों से काफ़ी दिन हो गए मेरी बात नहीं हुई, मेरी बहनों से, मेरी फैमिली मेम्बर से, तो मैं कल उनसे रब्ता रखूँगा इंशाल्लाह। मेरी छुट्टी एक होती है और बस बिज़ी गुजरती है। तो चले अपनी दुआ में याद रखिएगा, सबको मेरा बहुत दुआ सलाम, खुश रहिए, मोहब्बत का पैगाम जहाँ तक जाए मिठाई के मिठास के साथ। राइट, थैंक यू।